एक लड़का किसी लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। उसने लड़के की भावना नहीं समझी और झट से उसके इजहार को ठुकराते हुए बोली, प्यार और तुमसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना तुम एक महीने में कमाते हो उतना रुपया तुम एक हफ्ते में खर्च कर देती हूँ, इसलिए तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। और तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलना भी नहीं। यह कहकर वो लड़की चली गई, लेकिन वो लड़का उससे सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो लड़का मन ही मन उसी लड़की को चाहता रहा और उससे कभी नहीं मिला। लगभग 10 साल बाद संयोग से एक मॉल में उनकी मुलाकात हो जाती है। लड़के ने उस लड़की से उसका हाल चाल पूछा और उसके बीते दिनों के बारे में कुछ बताने के लिए कहा। लड़की इतराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। मेरा पति आज एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं और उनकी सैलरी 80,000 रुपये प्रति महीना है। हमारे पास बंगला है, गाड़ी है और सभी ऐशो आराम है। मेरे पति बहुत ही होशियार हैं। अब तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ। और हाँ, मैंने उस दिन तुमसे शादी ना करके कोई गलती नहीं की, क्योंकि यदि मैं तुमसे शादी कर लेती तो यह सब मेरा सपना ही रह जाता। यह सुनकर लड़के की आंखें नम हो गई। इससे पहले लड़का कुछ बोल पाता, तभी उस लड़की का पति लड़की को लेने आ गया और लड़की के पति की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़की के पति ने नमस्कार करते हुए कहा, सर आप यहाँ? लड़की ने एकदम चकित से अपने पति की तरफ देखा। लड़की के पति ने कहा, यह मेरी कंपनी के मालिक हैं, इनका एक साल का 500 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन हमारे सर एक लड़की को चाहते हैं, इसलिए आज तक सर ने शादी ही नहीं की। लड़की उदास हो गई। जिंदगी बस एक पल की मोहताज नहीं होती, बस वक्त उसे मोहताज बना देता है। प्यार को समझें और उसे महत्व दें, उसे तोले नहीं, क्योंकि प्यार अनमोल है। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वो लोग उस प्यार को आखिरी दम तक निभाते भी हैं। उन्हें अपने प्रेमी से प्यार के अलावा कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती है। उनका प्यार और प्रेमी उनके लिए संसार की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती होते हैं, इसलिए प्यार इंसान से करें, उसकी जायदाद से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें।